हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम ईशा है, आप लोग देख रहे हैं स्ट्रीट कार्स एंड बाइक्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में टाटा नैनो का स्पार्क प्लग को क्लीन करना या चेंज करना है तो कैसा हम लोग को करनी है, इस वीडियो में आपको उस जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो चलिए जल्द से जल्द वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग को पीछे का पूरा पार्ट ओपन कर लेना है। ऐसे डिक्की हम लोग को नट बोल्ट चार खोलने से हम लोग का पीछे का पार्ट खुल जाता है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं इंजन के पास ये जो ऊपर का दो कनेक्टर्स है, ये दोनों प्लग का कनेक्टर्स है। नीचे देख सकते हैं हम लोग को इन दोनों कनेक्टर्स नीचे हम लोग का स्पार्क प्लग के पास कनेक्ट हो रहा है। ये कनेक्टिंग वायर्स है तो देख सकते हैं, मैं एक नंबर का निकाल रहा हूँ तो इसको हटा दिया है स्पार्क प्लग का कनेक्टर को। तो ये हम लोग का स्पार्क प्लग है। हमारे पास जो जॉकी रॉड रहता है ना, सी जॉकी रॉड के ये जो है वो उसमें लग जाएगा। अगर आपके पास इस तरह का जॉकी रॉड नहीं रहने से आप लोग बाहर मार्केट से भी खरीद के एक लेकर आ सकते हैं। तो स्पार्क प्लग निकालने वाला टूल बोलने से वो लोग दे देता है। सारा पेट्रोल कार में ये वाला टूल लगता है, आप इस तरह बाहर निकाल के चेक कर सकते हैं। आप लोग देखिएगा, मेरा स्पार्क प्लग तो ठीक ठाक है, इसका लाइफ और भी है। मतलब मैं ज़्यादा दूर तो नहीं चला ये चेंज करने के बाद, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में क्लीन करके फिर वापस लगा देगा। तो अभी दो नंबर का भी खोल के देख रहे, तो ये भी ठीक ठाक है। तो अभी उसको भी हम लोग खोल लेते हैं। जैसे एक नंबर को खोला है उसी तरह दो नंबर को भी जाकी रट को लगा के अभी उसको खोल दे रहा है। देखिए अभी दोनों ओपन है, इधर का ये ओपन है, उधर का ओपन है। दो स्पार्क प्लग आते हैं टाटा नैनो में, दोनों ओपन कर दिया। ये भी ठीक ठाक है, इसको क्लीन करके फिर वापस लगा देंगे। जैसा था वैसे उसको अभी लगाने वाले हैं। लग लगाने का दिखाएगी। अभी इन दोनों को पूरा टाइट मार दिया है। उसके बाद ध्यान से जो ये केबल है दो नंबर में लगने वाला है, उसी जगह उसको लगा देना है। और ये एक नंबर वाला है, आप देख सकते हैं एक नंबर वाला, तो इस जगह लगा देना है। गाड़ी स्टार्ट किया है, स्टार्ट करने से एकदम स्टार्ट ले लिया है गाड़ी। इंजन में थोड़ा स्मूथ है और इंजन थोड़ा वोबलिंग वोबलिंग नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा इस वीडियो आपको पसंद हुआ है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप टाटा नैनो का लेकर कुछ भी डाउट है रहने से मेरे को कमेंट कर सकते हैं, कमेंट्स में आप मेरे को क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरा बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आपको आंसर देने का कोशिश करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।